अस्सलाम वालेकुम। केमे की एक ऐसे समोसे की रेसिपी, इसको आप इफ्तारी के टाइम बनाएं और बहुत मज़े के साथ खाएं। उसके लिए हमने लेना है ये चॉप किया हुआ प्याज है, ये चॉप किया हुआ गोभी है, थोड़ा सा हरी मिर्च है और धनिया है। बहुत मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार ये आपके लिए एक बहुत मज़ेदार बनेगा समोसे कीमे वाला। तो हम ये लेंगे बटर, बटर डालेंगे, बटर से इसका जायका बहुत मज़ेदार बनेगा। एक खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन है, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा आपने इसको ब्राउन करना है लहसुन को। प्याज ऐड करेंगे, प्याज को भी थोड़ा सा सोते करेंगे। प्याज और लहसुन को आपने हल्का सा सोते करना है। आप डालेंगे चॉप किया हुआ गोभी और हरी मिर्च, इन दोनों को भी ऐड करेंगे। ये कीमा है दोस्तों, 1 किलो कीमा है, मोटे पिसा हुआ कीमा है, इसको हम ऐड करेंगे इसमें। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है, आसानी के साथ आप अपने घर में 5 से 7 मिनट में तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, नमक है, साबुत जीरा है, फ्रेश चिल्ली है, हरा मिर्च और ये आपने डालना है काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा लेंगे सोया सॉस, 2 से 3 खाने के चम्मच। तो ये दोस्तों आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाना है। पैन के अंदर कीमा है, कीमा आसानी से पक जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कीमा हमारा पक गया है। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। तो ये कीमा आसानी से तैयार होते हैं। और इसके बाद इसमें आपने धनिया डालना है चॉप किया हुआ, बहुत सारा आपने धनिया ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर देना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार समोसे की रेसिपी बनने वाला है। कीमे वाला बनाने में बहुत आसान है। इसी रेसिपी को आपने फॉलो करके आप अपने घर में बहुत मज़ेदार समोसा बनाएं और इफ्तारी के टाइम एंजॉय करें। पानी अच्छी तरह इसका खुश्क करना है आपने, क्योंकि पानी नहीं रखना है इसके अंदर। और उसके बाद उसको आपने ठंडा करके फिर हम आपको बताएंगे अगला स्टेप कैसा बनाना है इसका। अच्छा दोस्तों, कीमे वाला स्टेप ख़त्म हो गया। तो ये है पट्टी है, ये पट्टी आपको बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाएंगे। इसको आपने थोड़ा सा इसका डिफ्रोज करना है, नरम करना है। उसके बाद इसको आराम से इसकी ये आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है, इस तरह से इसको आराम आराम से इसका स्लाइसिस निकालना है। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया है। तो आपने इतना सा कीमा लेना है चम्मच से और इसको आपने इस नुक्कड़ पर रख देना है और यहाँ से इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा के इसको आपने ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं, फिर इसको आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ से अंडे लेने हैं, ये आप देख सकते हैं समोसा हमारा रेडी हो गया है।